यो व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो सब? आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है रील्स गेमर। आज हम बीट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट का और मार गिराने वाले हैं एंडर ड्रैगन का। ये है और ये है इस सीरीज का पार्ट वन। ये सीरीज नहीं है, ये बस पार्ट है। और ये आयरन गोलम दूर जा रहा था और उसने मुझे में एक हिट मारी, मेरी आधी हेल्थ चली गई, मैं बहुत डर गया था तो मैं चला गया। एंड शाउट आउट द रॉयल गेमर शॉर्ट्स एंड शाउट आउट आर्ट एंड क्राफ्ट एंड लास्ट शाउट आउट माइनक्राफ्ट विथ अल्फाइस। और यहाँ भी मैं बहुत डरा हुआ था तो इसलिए मैंने यहाँ भी एक ब्लॉक लगाया, लेकिन मैं फिर दूर चला गया क्योंकि मैं टंग भी नहीं पा रहा था। और गाइस, मैं अपनी शुद्ध हिंदी में बात करता हूँ, घरेलू आवाज, क्योंकि गाइस ये ऐसे बात करना मुझे पसंद नहीं है जैसा हम अपनों के साथ बात करते हैं, वैसे आप भी तो अपने ही हैं। गाइस, जितने लोग हैं सब सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो में शाउट आउट मिल सके। तो यहाँ मैं आयरन गोलम का इंतजार कर रहा था, इतने में आयरन गोलम आ गया, मैंने ऊपर से मारने का ट्राई किया, नहीं मारा। मैं बहुत डरा हुआ था इसलिए क्राउच करके नीचे उतरा और मैं आयरन गोलम को मारने लगा। और मैंने सोचा कि ऐसे हाथ से मारते मारते तो जिंदगी निकल जाएगी, फिर मैं एक स्वॉर्ड बनाऊंगा। और मैंने सोचा कि अब बना ही लेता हूँ, और मैंने क्राफ्टिंग टेबल एंड स्टिक बनाई एंड फिर वुडन स्वॉर्ड बनाई और वुडन पिकैक्स भी, क्योंकि स्टोन माइन करने थे। फिर मैंने वुडन स्वॉर्ड से आयरन गोलम को मारा और आयरन गोलम को मारते मारते आखिरकार वह मर गया। मैंने सोचा कि क्राफ्टिंग टेबल भी ले लूं और मैं क्राफ्टिंग टेबल पर चढ़ा और हमको मिलने लगी क्राफ्टिंग टेबल। गाइज, हमारे पास आठ हो गई थी तो मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल, और ये आयरन गोलम बहुत ही अमीर था जिसने हमको 5 आयरन दिए। और फिर मैंने सोचा 9 आयरन हो जाएंगे तो ब्लॉक को ही डबल करेंगे। फिर मैं ब्लेज की तरफ गया क्योंकि मुझे खाना चाहिए था और 5 आयरन तो, और मुझे दिखा एक रूइन पोर्टल जहाँ पे मुझे एक भी गोल्ड नहीं दिख रहा, और मैं उसके पास गया। वहाँ से सबसे पहले मैंने ऑब्सिडियन को डबल किया क्योंकि नेदर में भी जाना है ना भाई। एक का डबल नहीं गाइस, एक का हजारों करता हूँ। और फिर मैंने ऑब्सिडियन 15 ऑब्सिडियन कर लिए थे। फिर मैंने चेस्ट खोली तो उसमें 5 फ्लिंट, एक गोल्डन पिकैक्स विद फॉर्चून एंड एक क्लॉक मिली। गाइस, फिर मैंने चला चली फिर मैं ब्लेड चला गया। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लग रही हो तो कमेंट कीजिए। और फिर मैं ब्लेज में गया क्योंकि मुझे खाना भी चाहिए था, और हेवेल बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मुझे दिखता है एक ब्लैक स्मिथ का हाउस, वाव। मुझे लगा वहाँ से डायमंड मिलेंगे गाइज, बट वहाँ तो कुछ और ही मिला, एक आयरन इंगट, 3 ऑब्सिडियन और एक आयरन चेस्ट प्लेट। गाइस, ये तो ऐसी लूट है जो मिलने से भी बुरी है, ये तो मिलती ना तो भी अच्छा रहता। फिर मुझे हेवेल दिखी, मैं हेवेल लेने गया और मैं हेवेल पर भी एक का डबल करने लगा, या एक का डबल। और मेरे पास 13 हो गई थी तो मैंने सोचा थोड़े से और ले लूं क्योंकि खाना तो चाहिए ना भाई। गाइस, 23 हो गई थी, मैंने उससे वीट बनाया, वीट से ब्रेड बनाए और मेरे पास एक स्टैम। और फिर मैं चला, फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी हेवेल तो ले लूं इन केस ऑफ इमरजेंसी। पहले तो मैंने पेट पूजा की, फिर काम दूजा किया जो कि हेवेल को लेना था। फिर मैं चला आयन ढूंढने, आयन और मुझे स्टोन के टूल भी तो बनाने थे। फिर मैं बहुत ढूंढा, फिर मैं रविन पोर्टल कहाँ आया, मैंने सोचा गोल्ड तो ले लूं, लेकिन यहाँ तो कुछ गोल्ड मिला ही नहीं था। फिर मैंने माइन की आयरन, एक आयरन और लेके मैं बाहर निकला। और फिर
उन आयरन को मैंने फर्नेस भी ले ली थी गाइस, फिर उन आयरन को मैंने फर्नेस में रखा, दो दो आयरन हर एक फर्नेस। मेरे पास कोल तो था ही नहीं, तो मैंने अपनी हाँ बुड जला दी। इसके लिए मैंने बुड वेस्ट की और फिर मैंने हर एक फर्नेस में आयरन पकाया, क्योंकि मुझे आयरन का ब्लॉक चाहिए था। और गाइस मैं बॉयस देते देते थक गया, फिर मैंने ये क्या, मैंने तो वुड ही निकाल ली। फिर मैंने वापस वुड रखी और फिर मैंने सारे आयरनों को निकाल लिया और मेरे पास 9 आयरन हो गए थे, बाकी के मैंने सोचा रखे रहने दो। फिर मैंने एक आयरन का ब्लॉक बनाया, फिर ब्लॉक बना के उसको रख के, और मैंने देखा कि वीडियो चल तो रही है और मेरे पास थे आयरन की भरमार सनफ सरदार। और गाइस मेरे पास आयरन के ब्लॉक आ गए थे, तो आई गेस 29 इज मोर देन इनफ। फिर मैंने फुल्ली आर्मर में कवर्ड हुआ, और मैं भूल गया था ये मेरे पास ऑलरेडी एक चेस्ट प्लेट है, ये मैं एडिटिंग के टाइम मैंने देखा, तो फिर मैंने बना लिए थे, तो अब क्या करें, उसको धारना पड़ा। मैंने अपने सारे फटीचर टूल्स को फेंक दिया सारे फटीचर टूल्स। फिर मैंने अपना आर्मर पहना, जब मैं आर्मर पहनने लगा तब मुझे ध्यान आया कि ओ माय गॉड, मेरे पास एक ऑलरेडी चेस्ट प्लेट थी। फिर मैंने गाइस एक शील्ड बनाई, दो फ्लिंट एंड स्टील बनाए, और गाइस मैं पहनने की जगह शील्ड को क्राफ्टिंग में रख रहा था। दो फ्लिंट एंड स्टील बनाने के बाद मैंने सोचा एक नेदर पोर्टल बना लूं गए, फिर मैं नेदर पोर्टल बनाने लगा। और गाइस नेदर पोर्टल वाला सीन और एंडर ड्रैगन का खात्मा अगली वीडियो में होगा, तो अगली वीडियो जरूर देखिए, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपके पास आ जाए जो आप जानते ही हैं नोटिफिकेशन। मैं विलेज में तो घंटी नहीं बजाई, लेकिन आप घंटी जरूर बजाइए, और नेदर का सीन होगा अगली वीडियो में गाइस, जब हम नेदर को चेक कर लेते हैं जरा, फिर अगली वीडियो में करेंगे। और मैं आ गया नेदर में डीप, फिर मुझे देखा सामने गोल्ड, तो उधर तो गोल्ड मिला नहीं, तो इधर से ही लूटना पड़ा। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बाय।